रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द वीडियो अश्लील यूट्यूब वीडियो रोस्ट भाभी प्रैंक रोस्ट बाय एडिक्टेड। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो वन आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। भाई क्या कर रहे हो ये भाभी? सॉरी ना, क्या है यार भाभी? अच्छा गिर के गिरे हैं तो मैं ऐसे कर देता हूँ। मेरे को कोई शौक नहीं, छोड़ भाई। सुनो मैं आपके ये कर रहा हूँ ना, अरे ऐसे कर देता हूँ ना, लो यार हाथ भाभी गुदगुदी तो नहीं बन रही। समझते हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथों में ट्रिमर लेकर पार्क में बैठे हुए किसी भी अनजान भाभी के अंडरआर्म्स के बाल निकालते फिरो। करते कैसे हो ये सब? नहीं मतलब एक जमाना था जब भुक्कर इंसान सस्ता कैमरा या फिर खराब कैमरा लेकर रैंडम लोगों की प्लेट से खाना खाकर उनसे ये कहता, कैमरा लगा है मजाक कर रहा हूँ। लेकिन अब 2021 साल में प्रैंक विथ भाभी फनी मोमेंट, सहम उठा नाजुक बदन। आप भी पल्लू हटाओ। अच्छा और जरा रुको तो, यहाँ पर सिर्फ लौंडा नहीं भाभी भी कुछ कम नहीं है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अगर तुम इस प्रकार के प्रैंक वीडियो देखकर अपने हाथों में ट्रिमर लेकर तुम भी ये सोच रहे हो कि मैं भी जाकर पार्क में बैठकर किसी भी अनजान भाभी के अंडरआर्म्स के बाल निकालूं, तो भाई मेरी बात सुनो, ये सोच अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि अगर तुम ये सोच अपने दिमाग के अंदर लाए भी तो तुम्हें हमारे देश की नारी शक्ति के बारे में ज्ञात हो जाएगा। मैजिस्ट्रेट मेरा बाप है सुप्रीम कोर्ट का, वहां जाके मुंह दूंगी, वो भी सबूत इकट्ठा करूंगी। मतलब आज मात चुदनी है तो शुरू से मात चुदेगी सबकी। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए इसी गांड पे कमलाठी नहीं पड़ी थी, लेकिन भाई तुम जितना भी कह लो इस बकचोद का ये बकचोदी खत्म नहीं होगा। सो हे गाइस, क्या हालचाल? तो भाई आज जिस मुद्दे पर हम खड़ा करने वाले हैं, नहीं मतलब नारा लगाने वाले हैं, वो मुद्दा कुछ ऐसा है कि जिसका थंबनेल देखने के बाद किसी भी इंसान के अंदर का जोनी सेंस जिंदा होता है और उस थंबनेल पर क्लिक करके सीधे वीडियो को वॉच करता है और वीडियो को घिसका घिसका कर उस पॉइंट तक ले आता है जहाँ से मेन कोर्स शुरू होता है। लेकिन भाई जब वीडियो घिसकाते घिसकाते पूरा खत्म होता है और कुछ भी नहीं मिलता, तब अंदर से कुछ ऐसा फीलिंग आता है, तो आओ यार ऐसे एक वीडियो पर हम भी क्लिक करें जिसका टाइटल कुछ ऐसा है, सुहाग रात पति के सो जाने के बाद देवर से ये काम करने पर हुई मजबूर। जल्दी से आ जाए, इनका सब सुहाग रात मन मन नहीं कर, कदम कसम बकलोल मर्द मिलल बा हमारा किस्मत में। हाय हाय जरा रुको तो सही, बेचारे की हालात देखकर ये लग रहा है कि इसका पति का प्रोटीन या फिर शिलाजीत का अभाव है। सर छोटका देवरा बा, हैंडसम बाटे, क्यूट बाटे, मन तो करे तो एकरे साथे सुहाग रात मनाल देवरा के साथ, मन तो करे तो एकरे साथे सुहाग रात मनाल देवरा के साथ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ओए नोतिया कुछ करबो ना, कहलो ऐसे ही सूत गए, अब का करे, मन तो छछन के रह गई हमार, मन तो छछन के रह गई हमार। अपने इसी प्रकार के तरपनेस और गर्मी के लिए ये बिना भाभी को भी पीछे छोड़ रखी है जी। अब का कहीं नींद नहीं किया होत है रात में, हाय हाय देखो 10-11 बोल लोग ने सुतलू ना, जरा रुको तुम्हारे काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जिसके बारे में ये औरत कुछ पल पहले सोच रही थी वो देवर यही बच्चा है। नहीं मतलब यार जब हम बच्चे थे तो घड़ी में 7 बजे मात्र ही हम इस धरती को अलविदा कहते थे और उसके बाद सुबह के 7 बजे वापस से धरती में लौटते थे। लेकिन ये बच्चा रात 12 बजे अपने भैया भाभी के सुहागरात के दिन कमरे में सिर्फ झांकता नहीं बल्कि कमरे के अंदर घुसकर पलंग के ऊपर बैठकर कुछ ऐसा कांड कर देता है। हर कौन चीज की जरूरत है बोलो ना, का चीज की जरूरत कोई नहीं है देवर जी, बताए सोचे नहीं कि आज हम पहला सुहाग रहता तो मैं हटा कटा मारो से ओ आईडिया मिलल बा। ए भौजी भैया सूतल बा तले, शाबाश बेटा,
बहुत बढ़िया मुन्ना। अरे भोसरी के यही टाइम है पढ़ाई लिखाई कर ले। हाँ भाव कुछ ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में जिसका टाइटल कुछ ऐसा है, सुहाग रात के दिन दुल्हन ने दुल्हा को सुता के देवर को जंगल दिखाया, हैशटैग कसम से मजा आएगा। अरे भोसरी के कम से कम हैशटैग तो बिना हबस के बना लेते, और जरा व्यूज तो देखो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। और पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी बिल्कुल सेम है। और सबसे बड़ी फैक्ट की बात तो ये है कि इनका चैनल सिर्फ और सिर्फ सुहागरात के वीडियोस के लिए ही बनी है। दुल्हन ने कभी ससुर के साथ, तो कभी देवर के साथ, तो कभी कभी नौकर के साथ, और जब कुछ ना मिले तो सब्जी के साथ। क्योंकि इनका चैनल का मेन मोटिव सिर्फ 8 से 16 साल के बच्चे का माइंड डाइवर्ट करना है। क्योंकि इनके बच्चे IIT, NIT, NEET, UPSC के बारे में नहीं कुछ इस प्रकार का ख्याल अपने अंदर रखते हैं। नहीं मतलब यार, मैंने खामोखा चिंटू को रोस्ट कर दिया। वो बेचारा लौंडा पैसा लेकर तभी भी ज्ञान की बात कर रहा था, लेकिन ये बच्चा पलंग पर चढ़कर अपने भाभी से फॉर्मूला प्राप्त कर रहा है। पहला रात में क्या क्या है होला, भौजी तनी बतला दो ना हमरो के फॉर्मूला भौजी। अच्छा ये देवर क्या देखना पड़ रहा है। तो यार तुम सभी से यार रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के फेक वीडियोस में CTR मत भराओ, क्योंकि अगर तुम CTR दोगे तो YouTube इम्प्रेशन देगा और ऐसे व्यूज मिलियंस में आते रहेंगे। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो इसीलिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। लेकिन भाई पहले सब्सक्राइब कर दो भाई, प्लीज़ कर दो भाई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और तब तक के लिए गुड बाय। माय गॉड, दिमाग ऐसे हिल गया मेरा ये प्रैंक, ये ऐसा वीडियो देखने के बाद, बिकॉज बच्चे मन के सच्चे होते हैं। एंड देन देखो, कल मैंने एक वीडियो पे रिएक्ट किया था, शायद पता नहीं अभी तक अपलोड किया या नहीं, मैं कभी भी अपलोड कर देती हूँ वो। तो उसमें था कि रील्स में कैसे मम्मी अपने बच्चे से क्या मतलब कैसे हरकतें करवा रही थी, नॉन में तभी समझ गया, तभी मेरे को ऐसा लगा यार ये बड़ा होने के बाद क्या करेगा, और ये बड़े होने के मम्मी की बातें सुनेगा, बोलेगा तू मेरे से क्या क्या करवाती थी, मैं वहीं से सीख गया करके। एंड दिस थिंग अगेन, ये जो प्रैंक है या जो कुछ भी है, ये इसमें उसको इंक्लूड करना बच्चे को, एकदम छोटा है वो यार, मुझे लगता है कुछ 8-9 स्टैंडर्ड होगा, 8-9 ईयर्स होगा, कुछ ऐसा होगा पता नहीं, छोटे थे और वो ऐसी वीडियो में एंड ऑल अच्छा नहीं लगा। और जो स्टार्टिंग वाला था प्रैंक, क्या ही बोलो ट्रिमर मशीन लेके प्रैंक करना, कोई आ जाए मेरे पास इसे मैं झापड़ा लगा दू उसको, देखिए ये तो भाभी, मतलब आई नो ये तो प्लांट है इसलिए तो भाभी बैठी है, वो पल्लू को कोई हाथ लगा दे वो भाभी हंसेगी, लड़की हंसेगी, ऐसा कभी होता है कभी जिंदगी में? नेवर एवर। तो ये कभी ट्राई मत करना देख के कि बाबा यहाँ पे देख लिया, चलो वी विल डू प्रैंक, जाते हैं पार्क में, कोई भाभी बैठी होगी, कोई लड़की बैठी होगी, एंड ऑल दैट, नेवर एवर डू दैट, बिकॉज ये बैकफायर होने वाला है, आप लोगों को पहले बता रही हूँ मैं झापड़ा मिलेगा और कुछ नहीं, झापड़ा ही मिलेगा डायरेक्ट। और ये दूसरा वाला जो था वो बहुत ज्यादा डेंजरस था, क्या चैनल का नाम था पता नहीं, बट इट वॉज एक्सट्रीम लेवल का, एक एक में नया नया चीजें खोज रही हूँ रिएक्ट करने के लिए, और वो सजेस्ट हो रहा है मेरे पेज पे, तो वैसे जैसे सजेस्ट हो रहा है मैं रिएक्ट कर रही हूँ, और जैसे मैं रिएक्ट कर रही हूँ मुझे नए नए चीजों से इंट्रोडक्शन हो रहा है कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे को कभी दिखी नहीं या मैं कभी रिसर्च करने गई नहीं। माय गॉड, तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन द वीडियो, अश्लील यूट्यूब वीडियो रोज, भाभी प्रैंक रोज बाय एडिक्टेड। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत नहीं आ ले।